देख रहे हैं सच दर्शन। ये सूखे वाटर सप्लाई पंप और परेशान होते लोग दिल्ली की स्थिति को बयां कर रहे हैं, जहां दिल्ली में पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। पानी की समस्या इस कदर बढ़ गई है कि वाटर पंप पर भी इतना पानी नहीं बचा है कि किसी की प्यास बुझा सके। कुछ ऐसा ही नजारा है पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी वाटर सप्लाई पंप का, जहां पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से पंप सूखा पड़ा है, सप्लाई ठप है और कई किलोमीटर से पानी भरने आए लोगों को पानी की एक बूंद तक नहीं मिल रही। ऐसे में पानी की शॉर्टेज की वजह से बाजारों में बोतलों के पानी के रेट भी कई गुना बढ़ाकर बेचे जा रहे हैं। पानी लाने आए थे, पानी सर है ही नहीं यहाँ, बिल्कुल मिला ही नहीं पानी। पानी सारी बहुत दिक्कत हो रही है सर, जो 25 रुपए में बोतल में रही थी वो आज 70-80 रुपए में दे रहे थे। यार 4 दिन हो गए ना आए, हमारे 4 दिन सर ना पानी है, ना टॉयलेट में पानी है, ना पीने का, ना रोटी खाने का, परेशान हो रहे बहुत ज्यादा। और समझ में नहीं आ रहा पानी कब तक आएगा यहाँ, कोई बता के राजी नहीं हो रहा। वही मधु विहार वाटर सप्लाई पंप का नजारा से उल्टा ही दिखा, जहाँ पानी तो है पर इस पंप पर कई दूसरे इलाकों का भी बोझ पड़ रहा है। साथ ही आसपास के लोग भी अपनी प्यास बुझाने के लिए बेरोक टोक पिन्नी और डिब्बों में पानी भरकर ले जाते नजर आए। इतना ही नहीं, पानी की बर्बादी का भी साफ नजारा दिखा, जहां जल बोर्ड के इस वाटर पंप पर तैनात अधिकारियों और प्राइवेट कर्मचारियों की लापरवाही के चलते सैकड़ों गैलन पीने का पानी बर्बाद होता नजर आया और टैंकरों में लापरवाही से पानी भरते दिखे प्राइवेट टैंकर चालक और कर्मचारी, जब पानी टैंकरों समेत जमीनों पर भी भरने लगा है। वहीं इस पंप में तैनात जल बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी भी गायब दिखे। ऐसे में कई आरडब्ल्यू के प्रधानों का आरोप है कि रूटीन के प्राइवेट टैंकर भी पंप से गायब हैं और अधिकारी भी। वहीं जब प्राइवेट टैंकर ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार इलाके के विधायकों पर टैंकरों को हटाने का आरोप लगाते नजर आए। एमएलए वालों ने गाड़ी पहले हटा दी है। एमएलए वालों ने गाड़ियां पॉइंटों से हटवा दी है। एमएलए तो गाड़ी लगवाते बढ़वाते कटवाते उन्होंने हटवा दिए पहले। नहीं गाड़ियां गायब नहीं, गाड़ी पॉइंट पे चल रही है अपने। तो बताओ कौन पॉइंट पे झूठ बोल रहे हैं जी, कोई पॉइंट पे गाड़ी चल रही, गाड़ियां नहीं अवेलेबल है यहां, यहां गाड़ियां नहीं है, ये लिस्ट है गाड़ियों की, ये गाड़ी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है यहां पे। भाई वाटर पंप पे इतनी दिक्कत है कि आप आज जो गाड़ियां हैं पानी भरने के लिए हैं वो गाड़ियां यहाँ पे नहीं खड़ी हुई हैं। लोग बात पानी है, पानी आप देखोगे पूरा पानी चल रहा है पीछे, मानता हूँ चलो पाइपलाइन के अंदर पानी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो पानी रिजर्व किया हुआ है टैंकर भेजने के लिए, तो कम से कम पूरे टैंकर तो हो भरने के लिए, वो कम से कम क्षेत्र तक पहुंचे। हम यहाँ सुबह से खड़े हैं पब्लिक सेवा के लिए खड़े हैं और ये टैंकर तक भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यहाँ ब्लैक कलर के भेजी गई है या भारी भेजी गई है, स्टील वाले जो स्टील के एसएस सिटी लाइफ कंपनी जो है उनसे पूछा जाएगी गाड़ियां है कहाँ आपकी। भाई गाड़ियां आपने जो क्षेत्र में चलनी है तो गाड़ी चल जा रही है आपकी, जवाब तो दे, इनमें जीपीएस लगा हुआ है तो उसी जीपीएस ट्रेस करके बताएं आज सप्लाई जो है पानी ठीक है। तो ये जल बोर्ड वाले अगर अपनी आनाकानी अपनी मनामानी मानेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ नुमाइंदे खड़े हैं पब्लिक के, आरडब्ल्यू लोग खड़े हैं यहाँ पर, तो वो लोग जो काम करवा रहे हैं तो ये क्यों नहीं माने उस बात को। यहाँ से काम करने वाले भागे यहाँ से, तो वितरण की समस्या तो इनकी है ही ना, पानी है लेकिन वितरण की समस्या जो वो है वो ये ना ढंग से कर पा रहे हैं उसको, ना उसको अपनी जिम्मेदारी मान के चल रहे हैं, तो गलत बात है। ये जल बोर्ड के मैं तो कहूंगा जो इस डिवीजन का जो भी जेई है जेडी है वो बिल्कुल काम नहीं करा प्रॉपरली। हम चाहेंगे इसको जल्द से जल्द यहाँ हटाया जाए और ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे पब्लिक डीलिंग ना हो, तब तक पब्लिक डीलिंग का यहाँ काम ना हो। फिलहाल दिल्ली में अभी तक पानी की सप्लाई के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और जल बोर्ड व प्राइवेट टैंकर कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों के घरों तक टैंकरों से भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।